की रणभूमि में अब युद्ध की गाथा लिखने की बारी है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की, जो आज शकुनी मामा, दुर्योधन और सारी कौरव सेना के छल और कपट की वजह से चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ज्ञान तो था सिर्फ अर्जुन और अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह में घुसकर वापस निकलने का, लेकिन शकुनी मामा के दिमाग ने षड्यंत्र ऐसा रचा कि पूछिए मत। अर्जुन को कर्ण के साथ युद्ध में फंसाकर अर्जुन के बेटे पे निशाना साधा। मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारी मृत्यु के लिए विशेष शस्त्र है अर्जुन, अर्थात तुम्हारे गुरुदेव ने यहाँ आकर किसका रक्षण किया है इसका निर्णय तुम स्वयं करना। अर्जुन, कर्ण खाली अर्जुन को ही ढूंढता है, तो बस अर्जुन को ही ढूंढ रहा हूँ। कृष्ण लेके निकल लिए उसको कहीं। अर्जुन कहाँ हो तुम? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है और एक सच्चा कर्मयोगी योद्धा भी। हालात को समझते हुए इसीलिए उसने इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर युद्ध करना अपना धर्म समझा और उसे निभाया। वो ये बात जानता था कि इस चक्रव्यूह में उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि चक्रव्यूह से घुस के निकलने का आखिरी दाव वो नहीं जानता था। बिल्कुल, जिस क्षण का मैं कहना चाहूँगा कि जब से जन्म लिया है तब से इंतजार था, आज वो क्षण आ गया है कि अपना पराक्रम दिखाऊं युद्ध में और अपनी ज्येष्ठ माता के अपमान का बदला लूं और इस धर्म युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही बड़ा योगदान दूं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आज ये अवसर मिला है कि मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकूं और अपनी सेना को ध्वंस होने से बचा सकूं। पर्दे पे एक और चारों तरफ युद्ध से हाहाकार मची थी, तो वही पर्दे के पीछे जमकर मस्ती धमाल चल रहा था। जितनी बड़ी ये महागाथा युद्ध की है, उतनी ही बड़ी ये महागाथा मस्ती की भी है। यकीन नहीं होता तो पर्दे के पीछे हो रहे इन अनदेखे नजारों को देखिए। पर्दे पे तो ये धर्म और अधर्म की वजह से महाभारत की युद्ध लड़ते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे तो ये सारे दोस्त हैं और एक साथ मिलकर रिक्शे की सवारी भी करते हैं। किरदार एक दूसरे के भाइयों का ऑन स्क्रीन निभाते हैं, तो ऑफ स्क्रीन भी भाईचारा खूब है। ते बिछाने काम तो ये करते हैं, मैं तो सीधा सामने से वार करता हूँ। क्या मामा, क्या क्या षड्यंत्र? कोई षड्यंत्र नहीं है, फील्डिंग बिछाई है, बाकी पांडवों को बाहर रखा हुआ है और जयद्रथ उनके साथ युद्ध कर रहा है। ये दुशासन क्या कर रहा है? दुशासन क्या कर रहा है? अभिमन्यु को मारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अभिमन्यु को आराम से मार दूंगा, क्योंकि हम लोग तीन है और वो बेचारा सिर्फ अकेला है। शर्म नहीं आती अकेले बच्चे को मारते तुम लोग? पेट खराब है बच्चे, पेट खराब है, किसी और दिन लड़ाई होगी भाई, आज छोड़ दो उसको। इतना धर्म तो हम करते हैं, इतना धर्म तो हम करते हैं कि किसी और दिन करेंगे, लेकिन तुम ये क्या बार बार तुम बोलते हो शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खाते पीते तुम कौरवों का हो, रहते तुम कौरवों के पक्ष में हो, ठीक है, राजा तुम्हें कौरवों ने बनाया। भैया यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कर्ण की। अरे वही तो ब्यूटी है यार, वही क्या ब्यूटी है, क्या ब्यूटी है, मतलब हमें जानना चाहते हैं कि ना मैं इधर का हूँ ना उधर का हूँ। रंगराज, हमारे एक काम भी आप नहीं आए, जब भी काम करने की बारी आती है आपका धर्म सामने आ जाता है। कभी इस सवारी की सवारी करते तो कभी घोड़ सवारी करते। मैं तो हमेशा ऑटो से घर जाता हूँ, आप कैसे घर जाते हैं? जी मेरी बेस्ट सवारी जो है वो घोड़ा है, घोड़ों से मेरा थोड़ा विशेष प्रेम है, क्योंकि गिरता रहता है। तो मैं घोड़े पर जाना ही प्रेफर करता हूँ। अच्छा, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी हॉर्स राइडिंग। अच्छा, जो कि आपने सिर्फ ऑन स्क्रीन देखी होगी, अब हमेशा गिरने वाली। जो अब मैं नहीं गिरता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहले से काफी अच्छा घोड़ा चला लेता हूँ। अच्छा, महाभारत ने बहुत कुछ सिखा दिया है। डेली घर जाते हैं? सही, डेली नहीं जाता हूँ, कभी कभी जब घोड़े का मन करता है मेरे को बोलता है चलो साथ में चलते, तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, आप आज घोड़े को घर ले जा रहे हैं या घोड़ा आपको घर ले जा रहा है? घोड़ा मेरे को घर लेके जा रहा है। अच्छा, तो आप मिलते हैं, तेरे तूने मेरी फील्डिंग लगाई है ना। हाँ, देखता हूँ तेरे को, देखते हैं, देखते। चलो चलो, ओके ओके। और कभी शाम ढलने पे वेलागिरी भी करते हैं, एंड नॉट टू फॉरगेट सेल्फी गिरी भी होती है इनकी एक दूसरे के साथ।
मौसम में एक सेल्फी तो बनता है बॉस। बनता है बॉस। अच्छा, उमरगांव में शूट करने का सबसे अच्छा जो हमें फायदा हुआ है वो ये है कि यहाँ पे इतना हरा भरा है सब कुछ और इतना ग्रीनरी है, इतनी फ्रेश एयर चलती है रोज। तो हम जब भी पैकअप के बाद निकलते हैं हम लोग रोज कहीं ना कहीं थोड़ा स्टॉपेज लेके 5-10 मिनट के लिए ऐसे बैठते हैं, चिल करते हैं, मस्त हवा का आनंद लेते हैं। सचमुच क्या कहना इन महाभारत के वीरों का। पर्दे पे जहाँ ये धर्म की राह पर चलने की सीख देते हैं तो वहीं पर्दे के पीछे एक साथ मिलकर रहने की और जमकर यारी निभाने की प्रेरणा देते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस शो से ली हुई सीख और इनकी यारियाँ इनके साथ हमेशा रहे, क्योंकि महाभारत का ये युद्ध अपने आखिरी चरण पे चल रहा है। एक एक कर इन सभी का किरदार कम जो होता जाएगा। न्यूज़ रिपोर्ट।